Audio Jungle. नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक और प्रशासन भी दौड़ा। इसके अलावा एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य घायल हुआ है। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। रन फॉर यूनिटी में एकता की मशाल लेकर दौड़ा शहर। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाम को निकाला गया फ्लैग मार्च। एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की हुई मौके पर मौत। होटल सायना के जीएम की मौत की खबर सुनकर प्रदेश मंत्री संजय पाठक आए छतरपुर जाना हालचाल। सरदार पटेल की जयंती को पटेल समाज ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। पटेल समाज द्वारा निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, सदई रोड का नाम अब होगा सरदार पटेल के नाम पर। एक्सीडेंट हुई गाड़ी में से पुलिस ने जब्त की लगभग 60,000 रुपए की देशी शराब। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी नामक दौड़ का आयोजन किया गया था। बस स्टैंड के फव्वारा चौक से ये दौड़ शुरू हुई, जो कि छत्रसाल चौराहे पर आकर संपन्न हुई। इस दौड़ में कलेक्टर रमेश भंडारी, एसपी विनीत खन्ना सहित पुलिस के अधिकारी, इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स और तमाम छात्र छात्राओं सहित अधिकारी और जिला अध्यक्ष भाजपा पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, शहर के व्यापारी गण भी दौड़े। इस मौके पर छत्रसाल चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाघा बॉर्डर पर गए छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। ये कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। अपराधियों में खौफ कायम करने और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला गया। उसके बाद फिर कोतवाली में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हमारे रन फॉर यूनिटी पुलिस प्रशासन समाजसेवी एवं अन्य लोगों की ओर से संपन्न हुई। शाम को मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों के द्वारा भाग लिया गया। संदेश है राष्ट्रीय एकता का जो महत्व है सब लोगों को समझना है। आज सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर सद्भावना और व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी को लेकर समाज के सभी वर्ग के साथ में चलने और देश और समाज के विकास में अपना योगदान है। इसलिए जागरूकता के लिए सद्भावना और एकता दौड़ना यहाँ किया गया है। अनगौर के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रेलिंग से टकराकर खाई में गिर गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य घायल को छतरपुर जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। यहां पर जानकारी लगी कि मृतकों में ऋषि कपूर, जो कि होटल सायना के जीएम हैं, और ड्राइवर राजकुमार द्विवेदी शामिल हैं। तो वहीं घायल हरसिमरन को जिला अस्पताल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। होटल सायना के मालिक
और प्रदेश सरकार के मंत्री संजय पाठक को जैसे इस बात की जानकारी लगी, वे घटनास्थल पर गए और उसके बाद फिर जिला अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल जाना। बातचीत करते समय उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर जो कि होटल के जीएम थे, वे उनके घर के सदस्य जैसे थे। जीएम तो नहीं कहना चाहिए, मेरे लिए तो सगे छोटे भाई से बढ़कर था और पूरा परिवार हमारे से जुड़ा हुआ है, दो पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। मेरी सारी व्यवस्थाएँ, चाहे खजुराहो हो, बांधवगढ़ हो, कटनी का भी हो, दिल्ली का हो, सारा कुछ ये ऋषि कपूर ही देखा करते थे। कल रात के 10 बजे तक हमारे साथ भोपाल में थे और MPT का टूर एंड ट्रेवल फेयर था, उसमें पार्टिसिपेट करने गए और वहाँ से आज कल रात के निकल के सीधे यहाँ आ रहे थे बाय रोड, क्योंकि आज लंदन का कोई यूके का टूर ट्रेवल्स का पूरा ग्रुप आ रहा है 60-70 लोगों का, उसको रिसीव करने के लिए वो वहाँ से निकले बाय रोड। हमने रात के मना भी किया था, विमांचल से आए, मेरे मना करने के बाद बोले नहीं भैया, मैं सवेरे पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि यूके से पूरी टीम आ रही है 60-70 लोगों की और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए ये अपने आप पे बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा। और उसी आते समय रास्ते में ड्राइवर को नींद की झपकी आई और जाके सीधे पुल के जो दीवार होती है उससे भिड़ के नीचे नाले में गिर गई। ड्राइवर और मेरे छोटे भाई ऋषि कपूर का दुखद इस पर भी निधन हो गया। स्कॉर्पियो से यात्रा कर रहे जो वहाँ खजुराहो में साइना होटल है उसके GM जो है ऋषि कपूर और ड्राइवर राजकुमार द्विवेदी चले जा रहे थे और उनके साथ एक हरकिशन सिंह भी बैठे हुए थे। ये तीनों जाते समय गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में पलट गई अंगौर के पास जो थाना गुलगंज क्षेत्र में लगता है, जिसपे तीनों लोग घायल हुए थे, जिसमें दो की काफ़ी गंभीर स्थिति, जिन्हें बड़ा मलहरा ले जाया गया था, जहाँ वहाँ से ऋषि कपूर एवं राजकुमार द्विवेदी को मृत घोषित कर दिया गया है एवं सरदार हरकिशन सिंह को छतरपुर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था, जहां उनकी हालत ठीक है। पटेल समाज द्वारा भी सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें पटेल कुर्मी समाज द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बस स्टैंड से शुरू होकर पन्ना नाका सटे रोड पर जाकर संपन्न हुई। यहाँ पर पीतांबरा मंदिर के सामने छत्रपति शिवजी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, पटेल समाज के नेता राम खिलावन पटेल, डॉक्टर घासीराम पटेल भी शामिल रहे। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल थे। नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि सटई रोड का नाम सरदार पटेल के नाम से होगा और सटई रोड सरदार पटेल रोड के नाम से जाना जाएगा। सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती है, जिसके शुभ अवसर पर आज यहाँ पे पटेल समाज के द्वारा रैली का घोष हुआ और इसी के साथ बहुत दिन से बात थी कि शिवाजी महाराज, शिवाजी जो कि खुद भी पटेल समाज से है, उनका भी इतिहास से बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है, तो आज उनकी मूर्ति का भी अनावरण किया गया है और उन्हीं के नाम से इस सटई रोड का नाम भी, रोड का नाम भी शिवाजी रोड रखा गया है। आज पूरे भारतवर्ष में यह पर्व राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में जिला छतरपुर में भी यह पर्व मनाया जा रहा है। आज यहाँ की जो नगर पालिका की अध्यक्ष है श्रीमती अर्चना सिंह गुड्डू भैया, उनने यहाँ छत्रपति साहू जी, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण भी कराया है। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जन्म तिथि के अवसर पर आज पूरे भारतवर्ष में एक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ छतरपुर जिले में एक राष्ट्रीय एकता का स्वरूप बना करके और राष्ट्रीय एकता हमारी कायम रहे और सभी लोगों ने इसका संकल्प भी लिया कि हमारी राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए हम राष्ट्रीय पर्व मना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आदर्शों पर चले। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कांग्रेस द्वारा जिला कार्यालय में मनाई गई। यहां इस मौके पर एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। इसके पश्चात निर्वाणा फाउंडेशन में जाकर अनाथ बच्चों के बीच में फल और अन्य सामग्री भी महिला कांग्रेस के द्वारा बांटी गई। इस मौके पर कीर्ति विश्वकर्मा, शिवानी चौरसिया, स्मिता खरे, नीलम शुक्ला सहित अरविंद गोस्वामी आदि कांग्रेस नेता शामिल रहे। इंदिरा गांधी जी थी कि वो कभी ऐसे लोगों को नहीं देख पाती, वो जहाँ से यदि उनकी
ये धारणा थी, ये सोच थी इंदिरा जी की कि कोई भी गरीब बच्चा हुआ या विकलांग बच्चा हुआ या उनके माँ बाप को ढूंढ के वो वहीं पहुँचा देती। एक हमारी इंदिरा गांधी जी की मिसाल सब कोई जानता है, इसलिए आज हमने उनकी शहीद दिवस के उसमें हमने अपनी गरीब बच्चों को और अनाथ बच्चों को फल वितरण किया। नामदेव समाज द्वारा संत श्री नामदेव की 747वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, साथ ही साथ विठल धाम मंदिर में भजन पूजन और अखंड रामायण पाठ का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नामदेव समाज के लोग उपस्थित रहे। नामदेव समाज की जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, जिसमें 747वीं जयंती है नामदेव समाज की, संत नामदेव समाज की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आगे यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे गांव के दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और महिलाओं की संख्या काफ़ी यहाँ पर बढ़ी, जो कि बहुत उत्साह के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जयंती मनाई। ललौनी तिराहे पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बाद में खबर लगी कि इस गाड़ी में अवैध रूप से शराब ले जाई जा रही थी। इसके पश्चात सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। यहां एक्सीडेंट के बाद उस वाहन में बैठे लोगों ने शराब छुपाने की कोशिश की और बगल में खाई में शराब रखकर उसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की, जो कि नाकाम हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 60,000 रुपए कीमत की शराब पकड़ी गई। ये ललौनी तिगड्डा के पास एक टोयोटा ATS टैक्सी थी MP16T 1464 जो आ रही थी और एक पुलिया से टकरा करके वहां पर पलट गई थी, जिस पर 40 पेटी अवैध शराब पाई गई है, जिस पर TI सिविल लाइन द्वारा इसकी जब्त की गई है और 100 डायल पे इसको सूचना मिली थी, जिस पर मौके में जाकर के TI ने उसकी जब्ती बनाई है और ये संभवतः टैक्सी परमिट गाड़ी है जिसकी अज्ञात रूप से मुकदमा कायम किया गया है। राजनीति में महिला आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। राजनीति में 33% आरक्षण की मांग को लेकर अरविंद गोस्वामी, कीर्ति विश्वकर्मा, शिवानी चौरसिया, स्मिता खरे आदि कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें ये ज्ञापन सौंपा। आज महिला कांग्रेस छतरपुर की तरफ से हम लोगों ने मोदी जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 33% महिलाओं के आरक्षण की मांग करी गई है, जो कि संसद आदि प्रशासनिक अमलों में नहीं है। और अभी भी इतने सालों के बाद भी जो उन्होंने वादा किया था कि 50% तक किया जाएगा ये आरक्षण, अभी भी वो 11% पे ही अटका हुआ है। बक्सवाहा के धोंदरा गांव के एक किसान ने जन सुनवाई में 8वीं बार ज्ञापन सौंपा है। उसका कहना है कि उसके कुएं के लिए जो राशि स्वीकृत हुई थी उसे आज तक नहीं मिली। सरपंच और सचिव द्वारा धांधली करके 3 लाख से भी ज्यादा राशि निकाल ली गई है, लेकिन उसके खाते में एक पैसा भी नहीं पहुंचा। हुआ मिलो तो सरकारी श्रीमान जी, उनने पैसा निकाल के खाला 3,39,000। हमारे खेत में कुआ है नहीं है, आज भी नहीं है, मौके पर देखा जा। किसने कनिकार के खाली रवि सचिव, भरत सचिव, हरदेव सचिव, राजेश सरपंच। लगभग कितनी राशि आपकी खाई गई? 3,39,000। करेली इलाहाबाद के कमर इकबाल नाम के एक शख्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि राजनगर निवासी एक शख्स ने बालू के बिजनेस में पार्टनर होने के लिए उससे 7 लाख रुपए की रकम ली थी, जो कि 2 माह बाद लौटाए जाने की बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार अब उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। कमर इकबाल ने बताया कि राजनगर के रहने वाले नईम खान ने बालू ठेके में पार्टनर के लिए उससे पैसे लिए थे, लेकिन उसके बाद से अब पैसे लौटाने के नाम पर सिर्फ उसे धमकियाँ मिल रही हैं। एक साहब राजनगर के हैं मिस्टर नईम खान, उन्होंने चूँकि हमारे यहाँ आना जाना भी था उनका, तो ये हुआ कि भाई ऐसा है कि कमर में आप थोड़ा पैसा लगाइए, चूँकि बालू का हमारा बहुत अच्छा हिसाब किताब है, आप उसमें पैसा फंसाइए तो आपको 5% शेयर दिया जाएगा। उसके बाद में हमने पैसा फंसा दिया, पैसा फंसाने में कोई रिसीविंग नहीं, बाद में ये हुआ कि रिसीविंग हमको चाहिए, बड़ी मुश्किल में रिसीविंग दिया हमको। रिसीविंग देने बाद आप कहते हैं कि पैसे के लिए एक बार नहीं दसियों बार मैं गया आया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। कुल मिला के ये कहते हैं कि जो उखाड़ते हैं उखाड़ लीजिए, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। कितना पैसा? लगभग 7.5 लाख रुपए ये हमने कैश दिए थे। टीकमगढ़ में छात्र संघ चुनाव के दौरान युवक कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष शाश्वत सिंह बुंदेला और 3 अन्य पर अपहरण का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया था।
इस मामले को लेकर छतरपुर युवक कांग्रेस द्वारा एक आईजी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि ये मामला फर्जी तौर पर पुलिस द्वारा लगाया गया। जैसी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंभा नोची, ऐसा ही घटनाक्रम एक टीकमगढ़ में हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सबको जानकारी है, 3 तारीख एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ, जिसको देखते हुए बौखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों और उनके जनप्रतिनिधियों ने हमारे जो युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष हैं शाश्वत सिंह जी, उनके ऊपर बदले की कार्रवाई के तहत अपहरण का एक फर्जी मुकदमा RSS और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगाया गया है। इसी संबंध में आज हम लोगों ने छतरपुर माननीय IG को ज्ञापन सौंपा है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रन फॉर यूनिटी में एकता की मशाल लेकर दौड़ा शहर, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाम को निकाला गया फ्लैग मार्च। एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौके पर मौत, होटल साइना के GM की मौत की खबर सुनकर प्रदेश मंत्री संजय पाठक आए छतरपुर जाना हालचाल। सरदार पटेल की जयंती को पटेल समाज ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। पटेल समाज द्वारा निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, सदई रोड का नाम अब होगा सरदार पटेल के नाम पर। एक्सीडेंट हुई गाड़ी में से पुलिस ने जब्त की लगभग 60,000 रुपए की देशी शराब, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज।